हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आप डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू कैसे ऑनलाइन एलपीजी गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए आप लोगों को पहले क्या करना है, आपका जो डिजिटल सेवा पोर्टल है उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप उसको लॉगिन करेंगे, आप लोगों के सामने डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होता है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लोगों को एक सर्च बॉक्स का आइकॉन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे सर्च करके आप किसी भी सर्विस को यहाँ से ढूंढ सकते हैं। नहीं तो नीचे की तरफ आप लोगों को देखेंगे बहुत सारे सर्विस का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे एक ऑप्शन है गैस, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे गैस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पे गैस के ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने और एक पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जहाँ नीचे की तरफ आप जैसे देखेंगे, यहाँ पे तीन ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे CNG, LPG, PNG। तो अगर आप CSC के थ्रू LPG गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए बुक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे LPG में क्लिक करेंगे। LPG में क्लिक करने के बाद और तीन ऑप्शन आप लोगों के सामने खुल के आएगा। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो है LPG गैस बुकिंग। तो अगर आप CSC के थ्रू LPG गैस बुकिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे की तरफ पहला जो ऑप्शन है आपको वो ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे जैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो बॉक्स है यहाँ पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे और एक पेज आएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो आपको पहले यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल में कनेक्ट करना है, तो इसमें सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो VLE का डिटेल्स होता है, आपका CSC ID, आपका ईमेल ID, आपका जो स्टेट कौन सा है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद नीचे की तरफ आप लोग देखेंगे प्रोसीड का ऑप्शन। तो सिंपली आप लोगों को प्रोसीड में क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड में क्लिक करेंगे और एक पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बुक यूर LPG सिलेंडर थ्रू CSC। तो आप अगर आप CSC के थ्रू बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन कंपनी का लिस्ट आएगा, जहाँ पे यहाँ पे इंडियन ऑयल है, HP है और एक है। तो अगर आपका जो कंज्यूमर है उसके पास है एक बुक रहता है, उसमें लिखा रहेगा कौन सा कंपनी का ये गैस है। तो उस हिसाब से आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। करने के बाद सिंपली यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखिए बुकिंग टाइप, आप किस टाइप पे यहाँ पे बुकिंग करना चाहते हो, LPG ID से, मोबाइल नंबर से, कंज्यूमर नंबर से। तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर नंबर सिलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कंज्यूमर नंबर में आप लोगों को कस्टमर नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर ID और लास्ट 4 डिजिट LPG ID, जो आप लोगों को इस तरह का एक कस्टमर के साथ पास इस तरह का एक बुक रहता है, जहाँ पे पूरा डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगा। तो उसमें से आप जो डिटेल्स हैं यहाँ पे आसानी से फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डिटेल्स हैं यहाँ पे फिल कर दूंगा और नेक्स्ट जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक एक करके सारा डिटेल्स मैंने इस बुक से फिल कर दिया। फिल करने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लोगों को सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों के साथ जो सिलेंडर आपने बुक कर रहे हो उस सिलेंडर का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। कितना किलो का सिलेंडर आप गैस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, प्रोडक्ट ID, पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। पूरा डिटेल्स आप लोग देखने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, नीचे की तरफ आप देखेंगे सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो पूरा डिटेल्स देखने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने और एक पेज ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जो कंज्यूमर का सिलेंडर आप बुक कर रहे हो उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका नाम, उसका जो कंज्यूमर एड्रेस है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये सब कुछ देखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ₹2 का पेमेंट भी आप लोगों को करना है। पूरा देखने के बाद आप यहाँ पे जो नीचे का लिंक है उसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा CSC का पेमेंट पेज पर, जहाँ पे आप लोगों को ₹2 का पेमेंट करना है। यहाँ पे आपका पहले जो बॉक्स यस में आप लोग का CSC का पासवर्ड डाल देना है। जैसे पासवर्ड डाल के वैलिड करेंगे, आप लोगों को आपका CSC का वॉलेट पिन डाल देना है। आपका जैसे यहाँ पे CSC का वॉलेट पिन डाल के यहाँ पे टू में क्लिक करेंगे, आपका जो पेमेंट है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे कस्टमर का सिलेंडर जो है ऑनलाइन बुक हो जाएगा। तो ऑनलाइन बुक होने के बाद कस्टमर को आप चाहे तो इस तरह का एक स्लिप आपका जनरेट होगा, ये स्लिप प्रिंट करके भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो इस तरह से सिलेंडर बुक करके आप अच्छी खासी इनकम भी आपके सेंटर में कर सकते हैं। तो ये था आज का इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि CSC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय।